डियर स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे कि डुप्लीकेट केसेस को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं एस सॉफ्टवेयर में तो उसके लिए हम इसको इस कमांड को परफॉर्म करके देखते हैं स्टूडेंट हमारे पास ये एक डाटा सेट है 21 वन रिस्पोंडेंट्स का जिसमें हमारे पास वेरिएबल है जेंडर का एज का मंथली फैमिली इनकम का एजुकेशन का लिविंग एरिया मैरिटल स्टेटस गेटिंग इन्फेक्टेड फ्रॉम कोरोना वायरस पोस्ट पेंडेमिक फ़ियर ऑफ वायरल डिजीज़ एंड जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर का तो अब हम इस डेटा सेट में देखना चाहते हैं कि कितने केसेस प्राइमरी केसेस हैं और कितने केसेस हमारे पास डुप्लीकेट केसेस हैं तो उसके लिए हम डाटा के टैब पे आ, क्लिक करेंगे और यहाँ से यह कमांड जो है आइडेंटिफाई डुप्लीकेट केसेस इसको क्लिक करेंगे और यहाँ से आप जो है तमाम वेरिएबल्स को सेलेक्ट करेंगे और Uh, इसको फर्स्ट बॉक डिफाइन मैचिंग केसेस बाय में ले जाएंगे और ये ऑप्शंस बाय डिफ़ॉल्ट सेक्ट हुई हैं ये आपने ऐसे ही रहने देनी है और ओके okay पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास आउटपुट व्यू में आपके पास आ जाएगा कि डुप्लीकेट केसेस जो हैं आपके पास 15 हैं और प्राइमरी केसेस जो हैं वो आपके पास सिक्स है यानी औरिजनल केसेज सिक्स हैं और जो डुप्लीकेट केसेज हैं वो फिफ्टीन हैं तो यहाँ पर आपके पास ये ज़ीरो वन ज़ीरो ज़ीरो वन यानी पेयर वाइज उसने आपके पास आ, ये केसेस दे दिए हैं और अगर हम इनको देखें तो आ, ये जैसे मैंने आपको बताया था लेक्चर में कि ज़ीरो की कोडिंग डुप्लीकेट केस की है और वन की कोडिंग जो प्राइमरी केस की है तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं वैल्यू लेबल्स में कि ज़ीरो इज़ फॉर डुप्लीकेट केस एंड वन इज़ फॉर प्राइमरी केस तो इस तरह से आप किसी भी डाटा सेट को चेक कर सकते हैं कि उसमें कोई डुप्लिकेट केस है के नहीं है बिफोर परफॉर्मिंग द डाटा एनालिसिस